कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप एप्सन का सपोर्ट इतना क्यों करते हैं, एप्सन के बारे में ज़्यादातर क्यों बताते हैं, एप्सन के प्रिंटर्स को ही अधिकतर विनर क्यों बनाते हैं। तो आज मैं रिवील करने वाला हूं कि मैं क्यों एप्सन का सपोर्ट करता हूं, मैं क्यों इतना एप्सन के बारे में बताता हूं, मैं क्यों कहता हूं कि एप्सन इज़ बेस्ट। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आपको जानना है कि एप्सन ही आप प्रिंटर क्यों लें। आप कोई अदर प्रिंटर भी चूज़ कर सकते हैं, सस्ते हैं, ठीक है, बट एप्सन ही क्यों लें इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, रिक्वेस्ट है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अगर अच्छी लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के, बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांग, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर क्रिएटिव देवांग। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले ही इंट्रो दे दिया है कि आज के वीडियो में हम बताएंगे कि एप्सन ही क्यों बेस्ट है, तो मैं ऐसी 5 बातों का ध्यान रखता हूँ फिर बताता हूँ कि आपके लिए एप्सन क्यों बेस्ट है, ठीक है। उन 5 बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ, 5 बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद एनालिसिस करके फिर आप कमेंट करके बताइएगा क्या सही है या फिर नहीं। सबसे पहली बात, फोटो की क्वालिटी सबसे अच्छी निकलती है, प्रिंट क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। क्या यह बात सच है? अदर प्रिंटर से फोटो की क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी आपकी एप्सन की बेस्ट है कि नहीं, ये आप लोग जेन्यून तरीके से बताइएगा, ठीक है। सभी प्रिंटर्स की फोटो क्वालिटी देखिए, फोटो प्रिंटिंग देखिए, प्रिंट क्वालिटी जो एप्सन की है वो काफ़ी कमाल की है। बात करें अगर अपने सेकेंड टॉपिक की, यानी सेकेंड जो बात है, जो दूसरी हमारी बात है जिसकी वजह से मैं एप्सन को बेस्ट बताता हूँ, तो वह है बेस्ट कस्टमर सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये लोग जो एप्सन के होते हैं वो कस्टमर सपोर्टिंग अच्छा करते हैं। अगर आपके प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम है, वारंटी में है, वारंटी के बाहर है, अगर आप कॉल करते हो तो आपके विद इन 24 आवर्स आपके शॉप पे आपके प्रिंटर के पास मैकेनिक अवेलेबल करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इनका जो है वर्क काफ़ी अच्छा है, कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। तीसरी जो हमारी बात है वो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका एप्सन का प्रिंटर गड़बड़ करता है तो इसके ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सभी स्पेयर पार्ट्स आपको न्यू मिल जाएगा, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स सभी अवेलेबल हैं, प्रिंटर टूटने के बाद कबाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बेस्ट है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा अगर 17-18 हज़ार का प्रिंटर है उसमें कुछ खराबी आ गई तो हम उसको बेच दें या फिर कबाड़ में डाल दें, ठीक है। अदर कंपनी का ऐसा करना पड़ता है भाई, ठीक है, लेकिन एप्सन के सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। चौथी बात जो मैंने अभी बताई, लेकिन एक बार और थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इनके जो लोकेशंस हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं, इनके काफ़ी कई जगहों पे जोन बने हुए हैं एप्सन के, ठीक है, जिससे कस्टमर सर्विस में कोई दिक्कत नहीं होती है। अदर कंपनी का क्या है, कहीं एक जगह जोन बना दिया, कहीं दूसरी जगह जोन नहीं है, कोई एक जोन का बंदा है जो 2 जोन संभाल रहा है, ठीक है। तो एप्सन में ऐसा नहीं है, एक जोन का बंदा एक ही जोन संभालता है, तो वहाँ पे वो कस्टमर सर्विस अच्छी दे पाता है। हमारा रीज़न है एप्सन को सपोर्ट करने का, वो है इसकी प्रीमियम क्वालिटी जो मेकिंग है, वो जो एप्सन के जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी मेकिंग पता नहीं क्या है कि प्रीमियम क्वालिटी एकदम लगती है, ठीक है, एकदम बेस्ट क्वालिटी लगती है, ऐसा लगता है कि ऑफिशियल चीज़ कोई है मेरे पास, ठीक है। और दूसरी इनकी इंक क्वालिटी, इंक की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, बाकी सभी से काफ़ी अच्छी इंक की क्वालिटी है, हालांकि इंक इनकी महंगी रहती है बट क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। क्वालिटी के मामले में ये लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। और आपकी बनावट जो इस प्रिंटर की है वो भी प्रीमियम क्वालिटी रहती है, प्रिंटर का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी देते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी 5 बातें जिनको मैं ऊपर रखता हूँ जब मैं किसी भी प्रिंटर से एप्सन को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं आपको कोई प्रिंटर एक सजेस्ट कर देता हूँ, मान लो किसी कंपनी का एक कोई प्रिंटर आपको सजेस्ट कर दिया, आपने ले लिया, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल चलने के बाद में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और कस्टमर सपोर्ट जो आपके कई किलोमीटर दूर तक ना हो, तो आप उस प्रिंटर को कैसे रिपेयर करेंगे? उसके अगर एक स्प्रिंग टूट गई, अगर वो स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे? तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आप लोग कमेंट में आज ज़रूर बताइएगा। एप्सन का कोई भी प्रिंटर आज तक कबाड़ में नहीं जाता है, जब हम पैसा लगाने से पीछे हट जाएंगे तभी कबाड़ में जा सकता है, वरना एप्सन का कोई भी प्रिंटर कबाड़ में नहीं जाता है। यही मेजर टॉपिक्स थे, यही मेजर बातें थी जिनको मैं ध्यान में रखता हूँ, एप्सन का सपोर्ट करता हूँ। अगर अदर कोई कंपनी इतनी सारी फैसिलिटीज देती है, यानी ऑल स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराती है, कस्टमर सपोर्ट देती है, हर जगह उनके जोन बने हुए हैं, तो उसका मैं सपोर्ट दिल से करता हूँ। और आपको मैं सभी प्रिंटर्स का रिव्यू देता हूँ, जो प्रिंटर्स अच्छे होते हैं मैं उनको बताता जरूर हूँ,
लेकिन आगे इप्सन को रखता हूँ क्योंकि इसकी कस्टमर सर्विस, इसकी इंक क्वालिटी, इसकी प्रिंट क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी सब बेस्ट है। A1 क्वालिटी का ये प्रिंटर प्रोवाइड करते हैं। और कोई बात नहीं है दोस्तों, इप्सन का सपोर्ट करने का मेरा और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट मसालेदार वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।